घड़ी तोड़ दी इसकी भाई लुखे ने, कड़ा दिखाइयो ये देख लो कड़ा कितना मोटा पहन रहा है, जान के करता यार, जानबूझ के बेचारी घड़ी तोड़ दी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सरप्राइज हो रहोगे मुझे देख के, क्योंकि आपका व्लॉगर आया नहीं है, मैं ही संभालने वाला हूँ कैमरा उसका, चुरा लाया। जू जा रहे थे, कह रहा मैं तो जू जाता रहता हूँ, मुझे जाना ही नहीं है, मन नहीं कर रहा। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं जाएगा, हम चलते हैं, हम बनाएंगे व्लॉग। अरे भाई तुम तो प्रज्ञा से भी अच्छी, हमें ही देखते हो, उसको कौन देखता है व्लॉग में, सही बात। तो भाई मैं जू जाने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी में 24 घंटे जानवर रहते हैं, 24 घंटे मेरी गाड़ी में जानवर ही रहते हैं, तो मैंने जू में क्या ही करने जाना है, ठीक है। बाकी शुरू से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जू, जो कि इन भाई साहब का तीनों का आइडिया था। तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, ठीक है, अभी हम जू पहुंच जाएंगे और 15 मिनट में, तो वहां पे जाके आपको जानवर दिखाऊंगा। और क्या करेंगे भाई, मस्ती करने मेन जा रहे हैं, मजे लेने, मस्ती करने, घूमने फिरने जा रहे हैं। बाकी यार देखो मेरे जितने सिल्की बाल मुझे लगता पूरी दुनिया में किसी के होंगे, इतने हल्के बाल है ना। मैंने आज 2 हफ्ते में शैम्पू कराया और देखो बालों की क्या हालत है। शैम्पू क्या बात है, तभी खराब हो रहे तेरे बाल। ऐसा नहीं है भाई, अगर मैं हफ्ते में एक दिन भी अगर शैम्पू कर रहा हूँ ना, तो पूरे हफ्ते मेरे ऐसे बाल रहेंगे, मतलब साल के सारे दिन 365 दिन मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। मैं 2 हफ्तों में शैम्पू कर रहा हूँ, उसके बाद भी है ना मेरे बाल, देखो मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बहुत कम है, बहुत कम है यार। बाकी सारी बातों को छोड़ो, इनकी बकवास छोड़ो, मेरी बकवास छोड़ो, हम चलते हैं फिलहाल जू की तरफ। तो चलो इंडिया गेट, वाओ सामने सामने सर भी है क्या, तुम और कुछ रहा था मामा क्या क्या है ठुल्ला कह रहा था, अगली वीडियो वायरल हो जाए ना तो मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये जो इसका नाम है विनीत भंडारी और ये रहता है, एड्रेस बता भाई, चाबी निकाल, गाड़ी में चाबी अभी कल ही ली थी इसने। अरे भाई मैं लगाऊंगा गाड़ी साइड में, जल्दी बताओ यार, लड़ रहे हो तो बताओ भाई, सही में मैं तो मार देता भाई, मैं तो मार देता भाई, मैं भी मारता, मैं तो गेर का मारता यही है, आज ठीक करा देंगे। अरे छोटी सी बात है भाई, छोटी बात ही नहीं है, छोटी बात है। अरे घड़ी का शीशे तो टूट गया, ये देखो दो बार दी हुई, 4,500 रुपए की घड़ी का इससे कर दिया यार, 4,500 पर गलत है भाई, तेरे जानबूझ के मारा ना तूने, चिढ़ रहा था ना कल से यार, पता नहीं उमेश क्या है तेरे को, कल से बेचारा कर ही लाया यार, नहीं मुझसे डायल पसंद नहीं आ रहा था। आपको है ना एक चीज बताऊं, उमेश के अंदर एक हिडन टैलेंट है, बहुत अच्छा गाना गाता है भाई, बहुत अच्छा, सुना भाई नहीं यार, अंदर से जब फीलिंग सीधा लेफ्ट राइट जल्दी बता, अंदर से नहीं आ रहा, आज इसका पेट खराब है, जब तक अंदर से फीलिंग कितने देर बाद जाएगी फीलिंग, मैं ना चुपचाप सुनाऊंगा भाई क्या गाना गाता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, तो हम आ गए हैं गाइस, ठीक है, आज मैं अपने जानवरों को जानवर दिखाई देता हूँ, ये देखो यार, ऐसे मत बोल यार, जी ठीक है, माय एलोपोजी माय एलोपोजी, अब पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी। तो व्लॉगिंग की असली परीक्षा ना आज होगी मेरी भाई, इतनी जबरदस्त भीड़ है ना भाई, इतना दिमाग मारने के बाद ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे ना ऑनलाइन कर दिया सिस्टम, मैं तो सालों पहले आया था, तो ऑनलाइन नहीं पड़ती फोन से, और बड़ी मुश्किल से होगी, अब 80 रुपये की पर पर्सन है, तो 4 बंदे हैं तो 320 की टिकट होगी। यहाँ से हो रही है एंट्री, एंट्री हो गई, अब बस जानवर देखना शुरू करने, ठीक है भाई, आई लव दिल्ली जू, चले भाई इसकी छोटी सी क्लिप ले ली, अब बस जल्दी से चलते हैं क्योंकि 12:30 से 4:30 तक की टिकट है और ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, तो 2 घंटे हैं। तो भाई दुनिया बाहर निकल रही है और हम अंदर घुस रहे हैं, लोग एग्जिट कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ब्रो इट्स नेवर टू लेट ब्रो, इट्स स्वान तो सबने देखी, देखो ब्लैक स्वान है ना सुंदर। टाइम है कम और बकवास करनी है ज्यादा, तो उसके लिए पहले हमें मेन जगह देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा जानवर हमें देखना है, कहाँ से एंट्री लिए, ये एंट्री है ब्लैक स्वान, मैंने दिखा दिया आपको,
देखो ये सारे एनिमल है, हाथ उठ गए। डिवीजन आ रहा है रोड का, तो यार एक तो मेरे को देखना बैर देखना है, भालू देखना, ठीक है? इस तरफ कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहीं से ही जाएंगे। देख देख यहीं भालू तो है भाई, यही रास्ता बढ़िया है। दोनों भालू हैं भाई, देख इस तरफ चीती है, टाइगर भी है, व्हाइट टाइगर भी है, चीता भी है, टाइगर भी है, शेर है। देख मेन जो जगह है इसको राइट पे, इसको कवर करते हैं। तो तुमने यार हमारे गांव में दिख जाओगे गाय भैंस, तो यहाँ से फिर इन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है? तो हमें खुद समझ नहीं आया, चलो चलो ठीक है, इसने फोटो ले ली, समझेंगे रास्ते में चल देते हैं उनका गाइड। चलो गाइस चलो 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 चलो, शेर दिखाओ, शेर दिखाओ, शेर दिखाओ, शेर दिखाओ, ये रास्ता असली 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 देखना है। मैं आपके लिए धूप ब्लॉक करता हूँ पर हो नहीं रही, देखो ऑस्ट्रिच भाई बड़ा है भाई, बहुत गर्दन देखी इसकी। दो बार आ चुका हूँ मैं, दोनों बार रेप्टाइल्स नहीं देखे और आज भी ये बंद है। हाइबरनेशन में रेप्टाइल्स तो ये बंद है सेक्शन। चल यार विनीत छोड़, अपनी तो सारा किस्मत ही खराब है। तुम सांपो, तुम सांपो को ही देख रहा हूँ बस मैं। तुमसे ही काम, मैं नहीं बुलाऊं सांप तो तू था, सांप वही है वो जा रहे, कुछ खतरनाक मिल गया ऐसा बोल रहे। ओ भाई दिखाता हूँ दिखाता हूँ, देखो नहा के निकला है भाई, बढ़िया शेर दूर है ये भाई, बहुत तगड़ा है बहुत। अब फोन में ना लगा, मुंह बड़ा है इसका शरीर, देखो अब देखो, आ जाओ आ जाओ, अरे रुक जा बाहर चल रहे। No monkeying around, keep zoo clean and green. भाई विनीत वैसे एक बात है, इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। प्रॉपर वो जो टाइगर था ना वो कमजोर था बहुत ज्यादा, बाघ शेर नहीं, हाँ बाघ टाइगर कमजोर था काफी ज्यादा, क्योंकि नहीं मिल रही। मुंह बड़ा था, मुंह बड़ा था, बाकी कमजोर ही लग रहा था। कोई कहीं फैल गया, कोई कहीं फैल गया भाई। कोई मतलब ही नहीं इकट्ठे घूमने का, कोई कोई सा जानवर देख रहा है। मजे में सो रहा भाई, हो गया कंप्लीट, कैसा लग रहा है? ब्लॉग हो गया, शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है, शेर रह रहा भाई, शेर जरूर देख कर। 4:30 तक है टाइम हमारे पास, टाइम कितना हो रहा है? 3:15। देख ड्रीम लंगड़ बग्गे को शेर जरूर दिखा के ले जाऊंगा। चल लंगड़ बग्गे मैं भी करूं तेरी बेइज्जती, ऐसे वायरल हो जाएंगे क्या? नहीं यार ऐसे नहीं होते भाई, दोस्त की इज्जत करो, दोस्त को प्यार। अरे नहीं यार दोस्त, दोस्त माय फ्रेंड इज लाइक अ चीता। ये तो छोटा वाला दिखा, और एक वहां लेटा हुआ है मजे में। चल भाई काइंड ऑफ जो नहीं होती पहाड़ी बकरियां बोलते जिन्हें, वाइट डियर। और ज़ूम कर भाई, बबूल बबूल घर, बबूल क्या देख रहे हैं भाई? हाथी हाथी देवरा बैठा है। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान तू ऊँट पे बैठा हूँ, ऊँट पे बैठा हूँ, हाथी पे हर जगह बैठा हूँ। हाथी पे कहाँ बैठे? ऊँट पे बैठा। तू गया था पिकनिक पे? अच्छा पिकनिक पे नहीं बैठा, उठ बैठा। गली में आते थे ना पहले, याद है गली में आते थे झुलाने वाले, 50-50 रुपए में झुलाते थे, बहुत चढ़ा था। हाँ 50 में भाई, ये देखो भाई बहुत बड़ा है यार। इधर पता है दोस्तों ये ऊपर से पानी गिरता है और ये नहाते हैं इसमें, मैंने देखा हुआ है इनको नहाते हुए। ये चीज बड़ी सही लगी मुझे कि ये ना जो लोग होते हैं वो अडोप्ट कर लेते हैं खाना पीना, मतलब पूरे साल का, जैसे 7 अक्टूबर 2022 से 6 अक्टूबर 2023 तक शिव कुमार सिंह ने अडॉप्ट कर रखा है इनका पूरा लालन पालन, खाना पीना सब कुछ। तो ये चीज़ बड़ी सही है, आप भी चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो। अभी हमारी इतनी पॉकेट मनी नहीं है, अभी हम खुद का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। क्यों भाई उमेश अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आमदनी शुरू हो तो। ब्लॉगर बदल रहे हैं बार बार, अब कौन करेगा ब्लॉगिंग, कौन अपना शौक पूरा करेगा? अपने चैनल पे, अपने अपने चैनल पे पराए भी क्यों करूं? शुरू इसने करा था ना ब्लॉग, बैठा था ना आज, बेस्ट था ना, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट क्लिप भी वो थी, सबसे बेस्ट क्लिप भी वो थी, फनीएस्ट फनीएस्ट स्टार्टिंग एवर। वी गो जिम, अभी ना मैंने आपको बाहर पढ़वाया कि मंकिंग नहीं करनी है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, पर ये ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना यहाँ पे, बाहर लिखा था बोर्ड की हरकतें नहीं करनी। अभी अभी एक गार्ड ने धमकाया इसे,
पर तब भी नहीं मार रहा को, कह रहा ये ऐसे ना उछल के उछल रहा था तो गाल में से बोला अंदर जाना है शेर के पास। हाइट कम है तो मतलब मानते नहीं ऐसे ऐसे लोग। मैं बोल रहा था मेरे पास मजाक कर रहा था, मेरे पास पहले ही जानवर है, जानवर के साथ जानवर को मिलाओगे तो जानवर बनती तो होगी ना गाइस, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड से मिल रहा है शेर को, नहीं शेर की हवा बोलते ना लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड। भाई साहब देखते हैं हमें कौन सा जानवर दिखेगा। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस। भाई कितना बड़ा मुंह है भाई। ओ ये बात ये बात बहुत बड़े हैं भाई। खैर चार पांच लोग के ऊपर कर दिया था। अच्छा मतलब पूछ से करता है तो छिट्टा बढ़ जाता है, जो खड़ा था हो जाता है। अच्छा नमाज बहुत ही उड़ाता है। ओ ओ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। नारा मस्त सुनी तूने स्टोरी कार्ड क्या बता रहा था? जब हिप्पो इरिटेट हो जाता है ना बहुत ज्यादा लोगों से तो वो पॉटी करता है, पूंछ हिलाता बहुत तेज ताकि लोगों पे छींटे जाएं। जानबूझकर हां हाँ, गार्ड बता रहा था ये। ठीक है चलो भाई घूम घूम के थक गए हम तो, अब थोड़ी देर बैठ गए हम तीनों और ये इसको जगह नहीं मिल रही तो ये यहां बैठ गया। क्या करते गया था ये अभी? ये घूमता फिर रहा है ऐसे ही। ये भागता हुआ आया हमारे पास, ये रास्ता भटक गया था भी नहीं, साथ चल रहे थे, पानी पीने गया था। हम घुसे ही लेट थे और 4:30 बजने वाले हैं, 4:15 हो गए हैं आई गेस, तो जल्दी जल्दी सब कुछ देख लेते फिर निकलना भी है तो चलो। जंगल का राजा एशियाई शेर भाई ये स्ट्रेस में है, चक्कर लगा रहा है इधर उधर। क्रोकोडाइल गाइस देखो देखो बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं भाई, ये तो हल्की सी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। बंदर 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 खुले घूम रहे हैं चिड़ियाघर में। अब इधर चलते हैं देखते क्या है। रेप्टर ये क्या है भाई? ये बॉय वल्चर। बहुत छोटे छोटे से यार, बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा ना तोते जैसा ये। हाँ बर्ड छोटी सी बर्ड है यार, जो अपनी नॉर्मल स्पैरो होती है ना जो आप देखते हो उससे भी छोटे हैं ये। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रुक जाना। वो ऐसे कर रहा है। ओ भाई ओ भाई देख ले, ले आ गया, अरे आ गया देख। सिल्वर फीजेंट कितनी सुंदर है, गोल्डन। अभी हमने देखी थी सिल्वर फीजेंट, ये गोल्डन फीजेंट है। कॉनियर आए थे, अमरूद खा रहे हैं। ओ दे दे दे, चाट मसाला लेगा। ये देखो ये देखो चाट मसाला ले ले, चाट मसाला। भाई आवाज आ रही है तेज तेज, कौन से जानवर के भाई सामने वो? रो भाई देखो देखो देखो, देखो येलो पैरट, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी चलो। ब्यूटीफुल भाई देखो, बात कर रहा है। पिंजरे को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। हम पहले ही लेट थे और ऑलरेडी बंद होने वाला है, और ये सारे देखो पर्दे डाल दिए हैं क्योंकि चिड़ियाघर बंद हो रहा है। ऐसे बंद होने लग जाता है क्योंकि 4:30 क्लोजिंग टाइम है। अब सारे बर्ड्स अपने प्राइवेट स्पेस में मजे करेंगे। भाई बंद कर रहे हैं। ये देखो नॉर्मल नेशनल बर्ड और ये वाइट, सुंदर है बहुत सुंदर है भाई। पैदल ही घूमना हमने प्रेफर करा, हमने ये जानबूझ के नहीं ली, इसे क्या ही मजा आता है ना, फन है बाय वॉकिंग। क्यों ब्रो? अब बड़े हो यार, बचपन में करती थी
तब माँ बाप ने कराई नहीं, अब बड़ों का मन नहीं करता। सही बात है, बोल रहा है विनीत, बचपन में घर वाले बिठाते नहीं थे। अरे कुछ नहीं होता, बेकार होती है, बेकार होती है, बहुत पैसे ले लेते हैं, पैदा चलो अच्छा होता है ये वो। अंकल आंटी देख रहे हो तो देख लो। डियर कितने सारे हैं भाई, देखो जैसे तुम हो हमारे डियर, आप सब हमारे डियर। पर ये जंगली ये नहीं है डियर। 124 क्या 124 लवली फ्रेंड्स 26 126 डियर हो तुम मेरे रोज के। हां रोज भाई बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको मजा भी नहीं आएगा, तो मैंने कुछ दिखा दिए। फिलहाल अभी बंद होने का टाइम हो गया तो हमें निकलना है और वो लोग मेरा वेट भी नहीं कर रहे। आगे आगे भाग गए कि तू बनाते रहे व्लॉग, तो फटाफट निकलते हैं, कुछ खाना पीना भी है, बहुत थक गए, भूख भी बहुत लग रही है। खाना रखा हुआ है इनके लिए, मीट रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है। ये देखो गीदड़ घूम रहे भाई, सालों बाद चिड़ियाघर में कैसा लगा घूम के? बढ़िया, मजा आ गया ना। ब्लॉगर किसे नहीं बोलेगा, ब्लॉगर बन गए हम और ज्यादातर यूट्यूबर बन रहे होंगे। यूट्यूबर का सब मन करता है, यूट्यूबर या फिर रील बना लेता कोई कुछ भी। भाई यूट्यूब पे ना सब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जिसको जो भी करना है, गेमिंग और कुकिंग जो भी मन कर रहा है सब। ना तो मुझे लगा पता है कि गेमिंग से कोई करियर होगा, गेम से कुछ फायदा है, गेम खेल के कोई पैसा कमा सकता है। स्काउट जानते होंगे आप, पबजी का स्काउट 15 करोड़ का घर बनाया भाई, 15 करोड़ का घर बनाया पबजी खेल के। फुली आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत आया। क्यों भाई आया, जो जू से इसको छुराया है। क्या मस्त चोरी करी, इसको लगा मैं घर लेके जाऊंगा। उमेश हाइस्ट एग्जैक्ट टाइम, टाइम हो गया काफी ज्यादा, बाहर निकले अबे। अभी हम आई एन ए मार्केट और ये खा रहे हैं दही के छोले, और यहाँ पे सब दही का है, वीगन कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करना दही के छोले फेमस आई एन ए मार्केट और इतनी वीडियोस मिलेंगे। देखो अंकल की शक्ल देख लो, यूट्यूब आपको उनकी इतनी वीडियोस मिलेगी। अभी हमने चेक करा, फूड व्लॉग भी बन गया है। तो गरम गरम जलेबी मैं भी उठा लेता हूँ व्लॉग बंद करके, वरना खा जाएंगे सब। हेलो ना तो गाइज अब आ गए घर, और कैसा लगा व्लॉग यार कमेंट्स में बताना, और सबसे बड़ी बात कैसा लगा दोनों तानसेनों का गाना, आपको दोनों की सिंगिंग कैसे लगी? चुपके से मैंने वीडियो बना ली थी, वो तो विनीत ने लास्ट में देख लिया तो उसने बंद कर दी, पर वो क्लिप मैंने डाली है। तो कैसे लगी उन दोनों की सिंगिंग ये भी कमेंट्स में बताना, और अगर लास्ट तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार, और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।